कर आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में 5 जनवरी 2022 के। वीडियो थोड़ा लेट है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उस तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो टाइम पर नहीं आ पाया, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं 5 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। विश्व पक्षी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पक्षियों का संरक्षण व संवर्धन करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जांच किट का नाम वह किसके द्वारा तैयार किया गया? ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच किट का नाम है ओमिश्योर, टाटा मेडिकल द्वारा तैयार किया गया है। अमेरिका के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अतुल केशव की नियुक्ति का ऐलान किया है। अतुल इस पद की जिम्मेदारी 5 जनवरी से संभालेंगे। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत संडी दक्षिणी ध्रुव पहुंच गई है। इसी के साथ वह बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरे करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है। हरप्रीत भारतीय मूल की पहली महिला है जिन्होंने इस साहसिक अभियान को पूरा किया है। पोलर प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत ने इससे जुड़ी घोषणा अपने लाइव ब्लॉग पर सफर के 40वें दिन के अंत पर की है। हरप्रीत ने अंटार्कटिका में अकेले अभियान पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनने का इतिहास बनाया है। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जी अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी है। इससे पूर्व उन्होंने भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और विद्युत मंत्रालय में निदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। महाराष्ट्र की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को 77वें वर्ष में निधन हो गया। सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने लगभग 17 अनाथ बच्चों को गोद लिया और इस नेक काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कार भी दिए गए। कोसी जल मेट्रो परियोजना के लिए हाल ही में निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव कोसी मेट्रो रेल लिमिटेड को दी गई है। यह पूर्ण रूप से वातानुकूलित नाव 747 करोड़ रुपए की कोसी जल मेट्रो परियोजना के लिए कोसी शिपयार्ड द्वारा बनाई जा रही है। 23 नाव में से एक है। फ्रांस ने हाल ही में 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है जो 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा। फ्रांस महाद्वीप के डिजिटीकरण और जलवायु संरक्षण को सबसे आगे रखने के लिए काम करेगा। सेबी ने हाल ही में डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार, डेटा एक्सेस और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में संबंधित माप करना है। जबकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और दिल्ली में प्रोफेसर और पूर्व चेयर पर्सन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस साहू को इस समिति का पैनल हेड नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का लेसन पूरा। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।